वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 28 क्लास 11 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 9 फ्लो ऑफ कंट्रोल को, जहाँ पे हमने समझा था कंडीशनल स्टेटमेंट या इफ स्टेटमेंट को। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं आपका इटरेटिव स्टेटमेंट या सिंपली लूपिंग स्टेटमेंट्स को। तो स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो में हम रिवाइज करेंगे हमारा चैप्टर नंबर टेन इटरेटिव स्टेटमेंट्स को। इटरेटिव स्टेटमेंट भी इनको बोला जाता है या सिंपली इनको लूपिंग स्टेटमेंट भी बोला जाता है। और पाइथन के अंदर दो ही केवल हमारे लूप्स हैं, एक हमारा वाइल लूप है और दूसरा हमारा फॉर लूप यहाँ पे है। तो देखिए, फॉर लूप और वाइल लूप का सिंटैक्स समझने से पहले इनको, अगर इनका हम प्रॉपर यहाँ पे प्रोग्राम बनाएं, उससे पहले एक बेसिक चीज़ है जो आपका हर एक लूप में यहाँ पे चलता है। देखिए, आपका कोई भी लूप हो, भले आपका फॉर लूप हो या वाइल लूप हो या सिंपली इटरेटिव स्टेटमेंट भी जिनको हम बोलते हैं, तो किसी भी लूप को रन करने के लिए चार चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले, किसी भी लूप के अंदर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, या जिसको हम सिंपली इनिशियलाइजेशन भी कहते हैं, यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे होता है जो आपका कंडीशन होगी, इसको हम कंडीशन भी बोलते हैं, या आपका स्टॉपिंग पॉइंट बोल सकते हैं, या सिंपली इसको हम डेस्टिनेशन बोलते हैं, यानी कि लूप हमारा जाएगा कहाँ तक। उसके बाद थर्ड हमारा होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, या जिनको सिंपली हम स्टेप्स बोल देते हैं, यानी कि कितने स्टेप लेके आपका एक लूप आगे बढ़ने वाला है। और चौथा हमारे होते हैं स्टेटमेंट्स, जिनको हमने यहाँ पे रिपीट करना है। फोर्थ हमारा होगा स्टेटमेंट। तो सबसे पहला क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरा क्या है आपका कंडीशन, थर्ड हमारा है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या स्टेप्स, और फोर्थ हैं जो स्टेटमेंट इनकी वजह से एग्जीक्यूट होंगे। तो अगर आप इन चारों चीज़ों को प्रॉपर फॉर्म में किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर लगाते हैं, भले वो फॉर का स्ट्रक्चर हो या वाइल का हो, तो आपका लूप जो है वो परफेक्टली वर्क करता है। तो यहाँ पर देखिए, सिंपल था, सबसे पहले हम समझते हैं फॉर लूप को। तो फॉर लूप का आपका जो सिंटैक्स है काफ़ी सिंपल है। फॉर, फिर हम लिखते हैं कोई भी वेरिएबल, फॉर वेरिएबल इन, देन आप यहाँ पे या तो रेंज फंक्शन का यूज़ करते हैं या सिंपली आप कोई सीक्वेंस को यहाँ पे लिखते हैं। तो पहले हम यहाँ पे रेंज फंक्शन को समझेंगे, क्योंकि रेंज फंक्शन आपका, जब भी आपको फिक्स टाइम एक लूप को रन करना होता है तो हम रेंज फंक्शन का यूज़ करते हैं, और जब भी हमको सीक्वेंस की ज़रूरत पड़ती है तो आप किसी सीक्वेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। सीक्वेंस के अंदर आपके सभी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आपकी स्ट्रिंग हो गई, ये आपका सीक्वेंस बनाती है, आपका लिस्ट हो गया, इसमें सीक्वेंसिंग होती है, आपका टपल हो गया, इसमें आपकी सीक्वेंसिंग होती है। सीक्वेंसिंग यानी कि सिंपल, जिसमें इंडेक्स आपके होंगे, इंडेक्स नंबर होता है जो जीरो से स्टार्ट होगा हमेशा ही। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले रेंज फंक्शन। तो अगर हमको रेंज फंक्शन एक लूप के अंदर, मान लीजिए हमारे स्टेटमेंट हैं, उसको हमने 5 टाइम रिपीट करना है, तो हम रेंज फंक्शन का यूज़ करते हैं। और सबसे सिंपल जो तरीका है रेंज फंक्शन का, उसमें हम लिखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, आपका मान लीजिए हमने 5 लिखा, तो 5 टाइम आपका ये जो लूप है वो रन होगा। अब यहाँ पे अगर मैं सिंपली इसका एग्जांपल दूँ, डायरेक्टली इसका एग्जांपल अगर मैं लिखूँ, फॉर एक्स इन रेंज, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5, और मान लीजिए इसके अंदर मैंने एक स्टेटमेंट लिख दिया, उसमें मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, तो वो 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा। अब वो 5 टाइम एग्जीक्यूट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए रेंज फंक्शन के अंदर हमने 5 लिखा हुआ है, और रेंज फंक्शन के अंदर वैसे तो हम 3 आर्ग्यूमेंट यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे केवल एक ही आर्ग्यूमेंट देते हैं तो ये इसको फाइनल स्टेप मानता है, यानी कि जो डेस्टिनेशन है ये मान लेता है। तो अभी हमने यहाँ पे 5 लिखा, तो सबसे पहले जो x में यहाँ पे वैल्यू आएगी वो आएगी आपका 0, देन आएगी 1, देन 2, देन 3, देन 4, यानी कि जो हम यहाँ पे नंबर देंगे उससे कम तक, और स्टार्ट होगा 0 से। तो बाय डिफ़ॉल्ट कई बार MCQs में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाय डिफ़ॉल्ट रेंज फंक्शन आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 से स्टार्ट होगा, और बाय डिफ़ॉल्ट इसमें +1 का इंक्रीमेंट होगा। देखिए, +1 होते हुए ये आगे जाता है। तो अगर आप यहाँ पे एक ही चीज़ देते हैं, क्योंकि हमको रिक्वायरमेंट है 3 चीज़ों की, और स्टेटमेंट तो आप देंगे ही जो आपने रिपीट करने हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो होगा यहाँ पे फॉर लूप का 0, जो आपका कंडीशन तो हमने यहाँ पे दी है, जैसे आपका 5 हमने यहाँ पे दी है तो 4 तक ये चलेगा। इंक्रीमेंट अगर आप नहीं देते तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है +1 का। अब यहाँ पे देखिए, आई होप आपको सिंगल में समझ में आया हो। इसके बाद अगर आप यहाँ पे रेंज लिखते हैं और आपने यहाँ पे 2 चीज़ें दे दी, मान लीजिए 1, 11,
तो अब ये दो चीज़ों का क्या मतलब है, इसमें पहला है आपका अब स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट भी हम डिफाइन कर रहे हैं और एंड पॉइंट भी, लेकिन अभी भी हमने स्टेप नहीं दिए हैं, तो बाय डिफॉल्ट कितने का इंक्रीमेंट होगा, प्लस वन का। तो ये लूप चलेगा आपका वन से लेकर टेन तक, क्योंकि एक माइनस वन तक चलता है, एन माइनस वन तक, तो टेन टाइम ये चलेगा और एक एक स्टेप ले करके ये चलेगा। वैसे ही अगर आप रेंज फंक्शन के अंदर अगर आप तीनों ही चीज़ें देना चाहें, मैंने कहा वन कॉमा टेन कॉमा टू, तो इसका मतलब क्या है, ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, तो वन यहां पे है स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट, ये है हमारा एंड पॉइंट, इससे कम तक चलेगा यानी कि नाइन तक, और स्टेप दो दो लेकर यानी कि प्लस टू। तो सबसे पहले अगर मैं इसी एग्जांपल में लूँ फॉर एक्स इन, तो एक्स की वैल्यू यहां पे सबसे पहले होगी आपकी वन, देन होगी थ्री, देन फाइव, देन सेवन, देन नाइन, तो सिंपल सा है। तो इसको आप किसी भी ऑर्डर में चला सकते हैं। अगर आप यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में इस लूप को चलाना चाहें, फॉर एग्जांपल रेंज मैंने लिखा 10 से लेकर ये चले 1 तक, अब देखिए 10 से 1 तक ये कैसे जाएगा, जब यहाँ पे मुझे इसमें डिक्रीमेंट भी देना होगा, क्योंकि देखिए 10 से अगर 1 तक चलाना है तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें इंक्रीमेंट होता है प्लस 1 का, तो 10 के बाद प्लस 1 का मतलब है 11, देन 12, देन 13, तो 1 तो आपका कभी नहीं आने वाला, यानी कि इन्फिनिटी लूप हमारा रन हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली माइनस 1, तो अब ये चलने वाला है सिंपली एक एक स्टेप कम होके, यानी कि जब भी हम एक लूप को नेगेटिव फॉर्म में चलाएंगे तो हमको वहाँ पे जो थर्ड हमारा स्टेप है, यानी कि जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है या स्टेप है, वो भी देने पड़ते हैं। लेकिन पॉजिटिव में अगर आपको चलाना है और अगर आप इसको स्किप भी करते हैं तब भी आपका प्लस 1 का इंक्रीमेंट होता है। तो अभी ये चलने वाला है सिंपली 10 से लेकर 2 तक, क्योंकि एक पहले ये रुकता है और ये इसमें माइनस 1 किया है, तो 10, देन 9, देन 8, देन 7, ऐसा ये चलने वाला है। वैसे आप वैल्यूज़ इसमें कुछ भी चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 से मैंने कहा माइनस 3 तक ये चले और माइनस 2 स्टेप लेके, तो इसमें वैल्यूज़ क्या चलेंगी, सबसे पहले चलेगा 10, देन 8, देन 6, देन आपका 4, देन 2, देन 0, देन माइनस 2, इस तरीके से, यानी कि नेगेटिव फॉर्म में। तो आई होप आपको रेंज फंक्शन समझ में आया होगा, सिंपल सा फंक्शन था। और इसको हम कब यूज़ करते हैं, जब हमको फिक्स ऑर्डर में या फिक्स नंबर ऑफ टाइम किसी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना हो। तो अब बात करते हैं दूसरा हमारा सीक्वेंस की। तो सीक्वेंस भी काफ़ी सिंपल है, अगर मैं लिखता हूँ फॉर एक्स इन और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल हेलो, तो हेलो हमने क्या लिया, एक स्ट्रिंग हमने ले ली। अब हेलो आप डायरेक्टली लिखिए या आप एक वेरिएबल में हेलो लिखिए और यहाँ पे इसके बदले आप ए लिख दीजिए, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपका कितने टाइम चलेगा, अभी ये चलेगा 5 टाइम, यानी कि जो भी हमारी लेंथ होती है किसी भी सीक्वेंस की, उतने टाइम हमारा ये लूप चलता है। अभी हमारी सीक्वेंस में 5 करेक्टर है, तो सबसे पहले एक्स में जो वैल्यू आएगी वो आएगी एच, तो एक बार ये रिपीट होगा, देन आएगी ई, दूसरी बार रिपीट होगा, देन एल, देन एल, देन ओ, तो 5 टाइम ये रन होगा। वैसे ही अगर मैं हेलो की जगह यहां पे एक लिस्ट दे दूं, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2 हेलो एंड 13, तो अब अगर मैं ये पूरा सीक्वेंस यहां पे लिखूं या इसको एक वेरिएबल में असाइन करके उस वैल्यू को, उस वेरिएबल को यहां पे लिखूं, तो अब ये कितने बार रन होगा, अभी भी 3 बार, क्योंकि सबसे पहले जो एक्स की वैल्यू होगी वो होगी 2, देन होगी हेलो, देन होगी 13। ऐसे आप चाहें तो टपल के साथ भी चला सकते हैं। तो इसका सिंपल सा सिंटैक्स है फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस और रेंज, आप सीक्वेंस से चलाइए या सिंपली आप इसको रेंज फंक्शन से भी चला सकते हैं। और इसमें चारों चीज़ें आपकी यहाँ पे प्रॉपर फॉर्म में होनी चाहिए, यानी कि या तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो, कंडीशन हो, इंक्रीमेंट या स्टेप्स हो, या आपका स्टेटमेंट्स हो, ये चारों चीज़ें जब एक प्रॉपर फॉर्म में किसी भी लूप के अंदर होती हैं तो वो लूप हमारा परफेक्टली वर्क है। तो आई होप आपको जो फॉर लूप है ये समझ में आया होगा। इसके अलावा तो बेसिक चीजें हैं, जैसे यहाँ पे फॉर है, कई बार आपको स्टेटमेंट दे देंगे और कहेंगे आइडेंटिफाई द ईच इंडिविजुअल एलिमेंट, तो इसमें क्या क्या है, फॉर हमारा क्या होता है, कीवर्ड होता है, एक्स हमारा क्या है, आइडेंटिफायर है या वेरिएबल है, इन हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर है, और ये तो आपको पता ही है ये सिंपली हमारा सीक्वेंस है। और भी अगर आप डीपली जाएंगे तो ये हमारे पंचुएटर्स हैं, ये जो बचे हुए इनको हम पंचुएटर्स बोलते हैं, जो कि स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप में भी सेम है, अब व्हाइल लूप में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा एक वर्स टू 10, देन मैंने यहां पे लिख दिया व्हाइल आपका ए इज लेस देन आपका 50, एंड देन
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a इक्वल्स टू ए प्लस टू। तो देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट हमको पहले ही डिफाइन करना पड़ता है, यानी कि ये लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, देन आपकी कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे a के बदले आप 10 रखें तो 10 इज लेस देन 50, तो कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा अपने जो इंटेंट है उसके अंदर, देन प्लस टू। अगर आप ये नहीं करेंगे तो देखिए वैल्यू हमेशा ही 10 रहेगी, फिक्स रहेगी, और ये इन्फिनिटी लूप आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट भी है, कंडीशन भी है, स्टेप्स भी हैं, और इसी के अंदर आप स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूशन के लिए वो भी लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 10 से स्टार्ट है, 50 से लेस तक चल रहा है, और दो दो स्टेप लेके, यानी कि लूप चलने वाला है 10, 12, 14 एंड सो ऑन। सिंपल सा है। उल्टा लूप अगर आपने चलाना है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा 10 तक चले, 5 तक इसको हमने चलाना है, तो इसको आपने सिंपली सिंबल को उल्टा कर देना है। तो देखिए सबसे पहले 10 इज ग्रेटर देन 5, इसके बाद प्लस 2 करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, क्या करना पड़ेगा, माइनस 2 करना पड़ेगा। तो 10 - 2 = 8, देन आपका 6। तो इस तरीके से अभी हमारा लूप चलने वाला है। कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि इन्फिनिटी लूप को आइडेंटिफाई कीजिए, तो अगर कंडीशन मेट नहीं हो रही तो इन्फिनिटी लूप ही वो बनता है ज़्यादातर, अगर आप वहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या स्टेप्स नहीं देते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है, अगर आप लिखते हैं वाइल, और यहाँ पे मैंने लिख दिया a इक्वल्स टू 10, आपने कह दिया a, तो ये देखिए कोई भी नॉन नेगेटिव वैल्यू आपकी ट्रू होती है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी समझा था। तो अगर मैं a लिखता हूँ तो ये इन्फिनिटी ही चलेगा, या इसकी जगह डायरेक्टली अगर आप यहाँ पे ट्रू लिख देते हैं तो देखिए अब तो ये कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं होने वाली, वाइल ट्रू। तो कई बार हम इस तरीके से भी लूप चलाते हैं। आगे आगे जैसे प्रोग्रामिंग ये बढ़ेगी आप सीखेंगे कि जब भी हम वाइल ट्रू लिखते हैं तो ऐसा भी कई बार आपने देखा होगा, और उसके अंदर हम कंडीशन के बेस पे फिर इसको रोकते हैं, और इसमें हम हेल्प लेते हैं आपके जंपिंग स्टेटमेंट्स की, यानी कि आपका ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट की। तो आई होप आपको लूप यहाँ पे समझ में आए होंगे। वाइल लूप में हमको ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगता है, क्योंकि इसमें पहले ही हमको डिफाइन करना पड़ता है और सभी चीज़ें अलग अलग डिफाइन करनी पड़ती हैं, लेकिन फॉर लूप के अंदर सभी चीज़ें एक रेंज फंक्शन के अंदर या वहीं पर हम सीक्वेंस देते हैं तो वहीं पर डिफाइन हो जाता है। इसके बाद आपके दो यहाँ पे और टॉपिक हैं, इसको हम बोलते हैं सिंपली जंपिंग स्टेटमेंट। तो दो जंपिंग स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे होते हैं, ब्रेक एंड कंटिन्यू। तो डायरेक्टली इसका एग्जांपल हम यहाँ पे समझेंगे। तो मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल फॉर एक्स इन रेंज 1, 10, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ इफ़ अगर एक्स की वैल्यू होती है सिंपली 5 तो ब्रेक हो जाए, और यहाँ पे एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट के अंदर मैं एक्स को प्रिंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक्स की वैल्यू 1 होगी, देन 2, देन 3, 9 तक चलने वाली है। तो यहाँ पे देखिए जब एक्स की वैल्यू 5 है तब हमने ब्रेक लगाया है और प्रिंट भी किया है एक्स को, तो यहाँ पे जो वैल्यू प्रिंट होगी वो होगी 1, 2, 3, 4, एंड देन जब ऊपर जाएगा वैल्यू 5 होगी, तो यहाँ पे ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक क्या करता है, इस लूप को टर्मिनेट कर देगा, और उसके बाद जो हमारा कंट्रोल है वो इस लूप से बाहर वाले जो स्टेटमेंट्स हैं उन पर आ जाएगा। तो ब्रेक का तो यही काम है। और इसके अलावा अगर आप यहां पे कंटिन्यू लिखते हैं, अगर आप यहां पे कंटिन्यू लिखते हैं तो कंटिन्यू क्या करता है, जैसे ही कंटिन्यू मिलेगा एक्स की वैल्यू 5 होगी, कंटिन्यू कीवर्ड जो है ये हमको यहाँ पे इंकाउंटर हुआ, तो उसके बाद जो कंट्रोल है वो टॉप पे चला जाएगा। इसके बाद के जितने भी स्टेटमेंट हैं, एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट, जितने भी आप लिखें वो सभी स्किप हो जाते हैं। देखिए कई बार हम कुछ ऐसी गलती करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये लिखा और प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ ना होकर यहाँ पे होता है टॉप पे, यानी कि प्रिंट स्टेटमेंट पहले है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले x की वैल्यू 1 प्रिंट होगी, 2 भी प्रिंट होगी, 3 भी प्रिंट होगी, 4 भी प्रिंट होगी, 5 भी प्रिंट होगी, क्योंकि उसके बाद कंडीशन चेक हो रही है। और यहाँ पे अगर ब्रेक होता तो 5 भी प्रिंट होगा, और कई बार हम इसमें कन्फ्यूज़ करते हैं, हम 5 देख के केवल 4 तक उसको रन करते हैं, लेकिन आपने देखना है कि प्रिंटिंग स्टेटमेंट पहले है या बाद में है। जैसे अभी प्रिंटिंग स्टेटमेंट मान लीजिए हमने पहले लिखा और कंटिन्यू लिख दिया और उसके बाद कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो इस स्टेटमेंट की कोई वैल्यू ही यहाँ पर नहीं है, क्योंकि सबसे पहले वैल्यू 1 होगी, प्रिंट होगा, 2 होगी, प्रिंट होगा, 3 में प्रिंट होगा, 4 में प्रिंट होगा, 5 में भी प्रिंट होगा, और 5 के बाद आपका कंटिन्यू है, तो ये स्किप तो करेगा, ये टॉप पे ले करके जाएगा, लेकिन इसके बाद कोई भी स्टेटमेंट नहीं है जो कि क्यूट होने वाले हैं, तो हमको रिजल्ट में कोई भी चेंजेस नजर नहीं आएंगे। तो कई बार क्वेश्चन इस तरीके भी इससे भी आ सकते हैं, हो सकता है वहां पे कंटिन्यू हो और आप प्रिंट को स्किप कर दें, तो आपने केवल ये देखना है कि प्रिंटिंग के जो स्टेटमेंट हैं या एग्जीक्यूटेबल जो स्टेटमेंट्स हैं वो कहां पर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमारे दो तरीके के यहां पे लूप होते हैं, फॉर एंड वाइल। किसी भी लूप को रन करने के लिए 4 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन या स्टार्टिंग पॉइंट, देन आपका एंड पॉइंट या सिंपली डेस्टिनेशन,
थर्ड हो गया हमारा स्टेप्स या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जब हम देते हैं, और फाइनली फोर्थ हमारे सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जिनको हमने बार बार रिपीट करना है। और साथ ही में जंपिंग स्टेटमेंट जो एक कंडीशन के बेस पे हमारे लूप को ब्रेक करने में या कुछ स्टेटमेंट को स्किप करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 10 इटरेटिव स्टेटमेंट्स या सिंपली लूपिंग स्टेटमेंट, जहाँ पे हमने देखा ब्रेक एंड कंटिन्यू। तो मैं मिलता हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे और हम देखेंगे नेस्टिंग ऑफ लूप को, यानी कि जहाँ पे हम कुछ पैटर्न्स को समझेंगे।